आओ सब मिलकर नशा भगाए, भारत को एक नशा मुक्त देश बनाए। ये तौफीक दे कि हम लोग जो कुछ भी कहें अच्छे के लिए, अपनी भलाई के लिए, हम सब उस पर अमल आवर हो जाए। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई वुड लाइक टू थैंक्स, वेरी वेरी मच थैंक्स ऑफ दिस एनजीओ। 70-75% हमारे यूथ जो है इसमें इन्वॉल्व है हमारे मुल्क के अंदर। अब हम समझ सकते हैं जब इतनी हमारी यूथ की पॉपुलेशन इसके अंदर इन्वॉल्व है तो हम कैसे एक अच्छे देश की, एक अच्छे समाज की और हमारे अंदर एक अच्छे ट्रेडिशनल खतक सिंह का अप्रिसिएशन किया जाएगा। नाउ आई रिक्वेस्ट मिस्टर मोहम्मद अमीन टू प्लीज अप्रिसिएट द हेडमास्टर सर विद ट्रेडिशनल खतक। और मैं मोहम्मद सलीम साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो अताउल्ला साहब को ट्रेडिशनल खतक हेडमास्टर मेहराज साहब, वाइस हेडमास्टर अताउल्ला साहब, रेस्पेक्टेड स्टाफ मेंबर्स, स्टूडेंट्स, रेस्पेक्टेड एनजीओस मेंबर्स, अस्सलाम वालेकुम। ज़्यादा टाइम नहीं ले लूँगा लेकिन ज़रूर चंद बातें जो हमने कोशिश की है कि इसका मकसद क्या है। आप सब जानते हैं कि यहाँ द्रास ऑनलाइन और हमारा वांट्स दिन ब दिन बढ़ रहा है। आप सब जानते ही हैं, सुन के हैरान होगा कि हम अपनी इस पूरी उम्र में हमने खासकर बुकी, नशा या चरस, गांजे के बारे में बहुत सुना था कि बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जैसे में होता था। बट अनफॉर्चुनेटली पिछले एक साल में 2 से 3 केस द्रास जैसे छोटे से छोटे इलाके में भी हुआ है। और इसका इफेक्ट बीइंग ए यूथ, क्योंकि हमारा ताल्लुक नौजवान लड़के लड़कियों के साथ अक्सर रहता है क्योंकि हम खेल के से एचएस प्रांतराज और हमारे आए हुए एसोसिएशंस के मेंबरान और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ आने का हमारा मकसद आप लोगों ने सुना होगा, देखा भी होगा, ड्रग फ्री लद्दाख, ड्रग्स फ्री लद्दाख, क्योंकि लद्दाख के अंदर ही हम आते हैं द्रास। तो हम चाहते हैं कि द्रास में कोई भी ड्रग्स या वो सिगरेट के मानन हो या वो बाकी चीज़ें के मानन हो, कोई भी ऐसे चीज़ें जो आपकी हेल्थ के लिए, जो आपकी हेल्थ के लिए जो है नुकसान हो, तो इस चीज़ से आपको क्या होना है, अवेयर होना है। तो यहाँ पर ड्रग के साथ साथ हमने यहाँ कल्चरल प्रोग्राम्स भी आपके पास रखा, कुछ ऐसे कल्चरल प्रोग्राम्स ताकि लोगों का माइंड डाइवर्ट हो, क्योंकि तो हमारा मकसद यही है कि चीज़ जो है आप लोग किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो, जैसे आप सपोर्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, जैसे कोई बच्चा अगर यहाँ में से कोई सिंगिंग का शौक रखता होगा या कोई कम पेंटिंग का या ड्राइंग का शौक रखता होगा कि वो इस चीज़ में फोकस करें, क्योंकि हमारा समाज जो है काफ़ी बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा है। क्योंकि द्रास बहुत छोटा इलाका है लेकिन यहाँ इवल्स बहुत ज़्यादा हैं। The minister. Drugs are like a need which kills your inner life. The Minister for Social Justice and Empowerment, Shri T.C. Gehlot, launched the website for the Nasha Mukt Bharat Abhiyan on the occasion of International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking on 26 June 2021, which observed worldwide strengthen action and cooperation in achieving the goal of a sustainable world free of substance abuse entire world in facing the minions of drug addiction. Addict individual, family and a large section of society. आओ सब मिलकर नशा भगाए, भारत को एक नशा मुक्त देश बनाए। थैंक यू। की जिंदगी कैसे खत्म हो, सिगरेट हो या सुविधा खैनी जो हमारे यहाँ यूज होता है या और भी चीजें, तो उससे हमारी लाइफ पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है, वो उसके लिए हमने एक छोटा सा ये बनाया है
आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा, फिफ्थ टू टेंथ आपके साइंस सब्जेक्ट्स में सारा दिया होता है। पहले ड्रग्स एक छोटा सा डेफिनेशन है, ड्रग्स आर केमिकल्स एंड सब्सटेंसेस दैट अफेक्ट बोथ योर माइंड एंड योर बॉडी। हमारे दिमाग में भी इसका असर पड़ता है और हमारी बॉडी का भी, ठीक है, तो दोनों फिजिकली एज वेल एज मेंटली एक इंसान को खत्म कर देता है। ओवरडोज होते होते वो आखिरकार मौत के तक पहुंच जाता है। और हमारे यहाँ भी ऐसे बहुत सारे केस हुए चर्स का, गांजा का, जब हमारे बच्चे हमारे यहाँ के यूथ जब एडिक्ट होते हैं तो फिर बहुत मुश्किल होता है उनको उससे ओवरकम करने में, उनको उससे वापस आने में बड़ा मुश्किल होता है। ये देखो, व्हाई डू टीन्स ट्राई ड्रग्स, पहले तो ये क्यों ड्रग्स क्यों लिया जाता है, ठीक है, एक तो उनको उन इंफेरियरिटी।